नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है और हम आपके सामने प्रस्तुत हैं यूपी मेंस 100 के नए सत्र के तहत, जिसके तहत आज हम बात करने वाले हैं मंदिर स्थापत्य की, द्रविड़ और दक्कन स्थापत्य कला के तहत। तो जैसे कि हमने पिछले सत्र में मंदिर स्थापत्य कला को प्रारंभ किया था और हमने कहा था कि हम इसको दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहले भाग के तहत हमने उत्तर भारत की नागर शैली के बारे में चर्चा की थी और आज हम दक्षिण भारत और दक्कन की मंदिर स्थापत्य कला शैली की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत जो प्रश्न अभी तक 2013 में एक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया था, जिसमें उन्होंने चोल स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न पूछा था। वास्तव में वह जो प्रश्न पूछा गया था वह केवल चोल स्थापत्य कला से संबंधित ना होके पल्लव स्थापत्य कला का वर्णन करने वाला भी प्रश्न था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मंदिर स्थापत्य कला से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें आपको मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित सभी शैलियों की एक मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक बेहतर उत्तर लिख सकें। ठीक है, तो इस सत्र के तहत हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी कला शैलियों की मोटी मोटी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करें और साथ ही कुछ उदाहरणों को भी आपके सामने दें, ताकि आप उन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर उत्तर लिख सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रविड़ स्थापत्य शैली की, द्रविड़ शैली की। जैसे कि हमने पिछले सत्र में बताया था कि शिल्प शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली क्षेत्रों के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। और जो कृष्णा नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें जो मंदिर निर्माण शैली विकसित हुई वह द्रविड़ शैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थीं जो उसे नागर मंदिर, यानी जो उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली है, उससे पृथक करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तरीके का तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा, जिसमें आप दोनों को तुलना करते हुए भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले अगर विशेषता देखी जाएगी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मंदिर था वह किस रूप में बनाया जाता था। तो इसमें अगर पहले अंतर का अगर वो बनेगा तो वो होगा आकार। ठीक है, जो नागर मंदिर के शैली थे, उत्तर भारत के मंदिर थे, वो ज़्यादातर वर्गाकार बनाए जाते थे, वर्गाकार। जबकि उत्तर भारत के विपरीत जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो ज़्यादातर आयताकार मंदिर दिखाई देते हैं। आयताकार माने खूब लंबे लंबे मंदिर दिखाई देते हैं, जैसे कि ऐसे इस आकार में खूब लंबे लंबे मंदिर दिखाई देते हैं। और उनके लंबे होने का कारण यह है कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो काफ़ी पुराने काल से बसे हुए मंदिर हैं, और इन मंदिरों के द्वारा एक केवल धार्मिक कार्य को संपन्न ना करके विविध कार्यों को किया जाता था। अब अगर मैं इन विविध कार्यों की थोड़ी सी चर्चा करूं, तो जो मंदिर थे वे ना केवल धार्मिक क्षेत्र का, सांस्कृतिक क्षेत्र का केंद्र थे, अपितु वे बहुत से प्रशासनिक कार्यों को भी करते थे और बहुत से आर्थिक क्रियाकला को वो भी करते थे, जिसमें मंदिरों के नाम पे बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, मंदिरों के नाम पे बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी। और मंदिर जो थे शहर का एक न्यूक्लियस होते थे, शहर का एक केंद्र होते थे, जिसके चारों ओर शहर को बसाया जाता था। तो कई बार ऐसा होता था कि जो शहर की जो मुख्य आर्थिक गतिविधियां होती थी वो मंदिरों के आसपास ही संपन्न होती थी। यही कारण था कि जैसे जैसे शहरों का विकास होता गया वैसे वैसे मंदिरों का आकार भी बढ़ता गया, और इसी के चलते वे मंदिर लंबे लंबे और लंबे होते गए। ठीक है, यही कारण है कि उत्तर भारत के मंदिरों के विपरीत जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं वे काफ़ी बड़े क्षेत्र में आयताकार रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आकार के बारे में बात हो गई, उत्तर भारत के मंदिर वर्गाकार होते हैं, ठीक है, और दक्षिण भारत के मंदिर आयताकार होते हैं। ठीक, ये तो हो गई आकार की बात। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है उसका संबंध है इसकी अंतर से, यानी कैसे, किस चीज़ को देख के हम बताएंगे कि जो मंदिर है वह नागर शैली का है, और किस अंतर को देख के बताएंगे इससे पता चलेगा कि वह द्रविड़ शैली का है। तो जो प्रोमिनेंट अंतर होता है वह शिखर को लेकर होता है। शिखर कैसे होता है, तो जो अगर इसका एक चित्र मान लीजिए मैं बनाऊं यहाँ पे एक छोटा सा, तो जो नागर शैली के मंदिर होते हैं उनका जो शिखर होता है वो वक्र रेखी होता है, यूं करके वक्र रेखी शिखर होता है। ठीक, नागर शैली का मंदिर है ये, नागर शिखर है, ठीक, वक्र रेखी शिखर होता है। और जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं वे वर्गाकार मंदिर होते हैं, ठीक है, शिखर युक्त वर्गाकार शिखर वाले मंदिर होते हैं। ठीक है, वर्गाकार, सॉरी सॉरी, नागर शैली के जो होते हैं वे वक्राकार होते हैं,
वक्राकार, कर्विलीनियर, वक्राकार, और ये जो होते हैं पिरामिड नुमा होते हैं, पिरामिड नुमा शिखर का अंतर है। और इसी शिखर के आधार पे आप स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कौन सा मंदिर नागर शैली का मंदिर है और कौन सा मंदिर जो है द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो इसमें वक्राकार शिखर होता है और इसमें पिरामिड के नुमा का जो होता है शिखर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिखर को लेकर ही। ठीक है, तो जो उत्तर भारत का जो मंदिर होता है उसमें इसी भाग को शिखर कहा जाता है, यानी जो वक्राकार ये जो हमें आकृति संरचना दिखाई दे रही है वह शिखर कहलाती है। जबकि जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं उसमें जो पिरामिड नुमा आकृति होती है उसको विमान कहा जाता है। ठीक है, तो एक अंतर यह भी है कि जो शिखर होता है वह पूरा शिखर उत्तर भारत में कहलाता है, जबकि जो जो शिखर के समरूप आकृति जो दक्षिण भारत के मंदिरों में होती है वह विमान कहलाती है। और इसके ऊपर जो ये आकृति है अष्टाकार या गोलाकार अर्धगोलाकार जो संरचना है इसको कहा जाता है शिखर। ठीक है, तो दक्षिण भारत के मंदिरों में विमान के ऊपर की जो संरचना अष्टाकार या अर्धगोलाकार संरचना होती है वह शिखर कहलाती है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में पूर्ण वक्राकार जो आकृति होती है वह शिखर कहलाती है। तो एक तो शिखर की आकृति को लेकर अंतर हो गया, दूसरा शिखर की शब्दावली को लेकर भी अंतर देखा जाता है। इसमें उत्तर भारत में पूर्ण शिखर को शिखर कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत के मंदिर में जो शिखर पिरामिड नुमा शिखर आकृति होती है उसको विमान कहा जाता है, और उसके ऊपर जो संरचना होती है जो अष्टाकार अथवा अर्धगोलाकार होती है उसको शिखर बोला जाता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया शिखर का, तो आकार के साथ शिखर के रूप में अंतर है। उसके अलावा कुछ ऐसी और विशेषताएं हैं जो उत्तर भारत के मंदिरों के विपरीत दक्षिण भारत के मंदिरों में विशेष रूप से पाई जाती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं एक होता है तालाब की उपस्थिति जो दक्षिण भारत के मंदिरों में दिखाई देती है। उत्तर भारत के मंदिरों में जो हमने बात की थी उसमें हमने देखा था कि अधिकांश मंदिरों में ये नहीं होता है, हालांकि जो गुजरात के बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि मोढेरा का सूर्य मंदिर या फिर हमने हिमालय मंदिरों की बात की थी उन हिमालय मंदिरों में एक दो मंदिरों में तालाब के उदाहरण अवश्य मिलते हैं, परंतु उत्तर भारत के मंदिरों में तालाब जो है मंदिरों का आवश्यक अंग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नंदी मंडप दक्षिण भारत के मंदिरों में पाया जाता है, नंदी मंडप उत्तर भारत के मंदिरों में ये नहीं पाया जाता। इसके अलावा एक और दो संरचनाएं होती हैं जिसको कहा जाता है गोपुरम। गोपुरम क्या होता है और गोपुरम से संरचित संबंधित एक स्थल है जिसको कहा जाता है परकोटा यानी बाउंड्री वॉल। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में ज़्यादातर में परकोटे की उपस्थिति पाई जाती है, बाउंड्री वॉल की उपस्थिति पाई जाती है, और बाउंड्री वॉल के ही प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रवेश द्वार है गोपुरम। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर के, और परकोटे क्या होता है, बाउंड्री वॉल है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं जो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाई जाती हैं। उत्तर भारत के मंदिरों में अगर उड़ीसा के मंदिरों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मंदिरों में परकोटे अथवा बाउंड्री वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब चूँकि बाउंड्री वॉल नहीं पाई जाती है तो गोपुरम भी नहीं पाया जाता है, तो परकोटा और गोपुरम दक्षिण भारत की प्रमुख विशेषता है। ठीक, तो हमने तालाब की बात कर ली, हमने शिखर की बात कर ली, हमने आकार की बात कर ली, गोपुरम की बात कर ली। इसके अलावा अगला जो अंतर का बिंदु हम देख सकते हैं वह है मूर्ति शिल्प को लेकर। मूर्ति शिल्प यानी आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी मूर्ति शिल्प। मूर्ति शिल्प आइकोनोग्राफी के तहत क्या होता है कि मंदिरों के अंदर जो मूर्तियों की जो स्थापना की जाती है वह विशिष्ट स्थान पे विशिष्ट मूर्तियां दिखाई देती हैं। जैसे कि गुप्त काल में जितने भी मंदिर बने उसमें जो गर्भगृह के बाहर जो एंट्रेंस होता था, जो प्रवेश द्वार होता था, उसके बाहर गंगा यमुना की मूर्ति हुआ करती थी। ठीक है, मूर्ति शिल्प में उत्तर भारत के मंदिर में गंगा यमुना की मूर्ति, ठीक है, प्रवेश द्वार पर, और दक्षिण भारत के मंदिर में द्वारपालों की मूर्ति हमें दिखाई देती है प्रवेश द्वार पर। ठीक है, तो द्वारपाल दक्षिण भारत के मंदिरों में और उत्तर भारत के मंदिरों में गंगा यमुना की मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई जिससे हमें दक्षिण भारत का मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों से पृथक दिखाई देता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से बिंदु हैं जिसके आधार पर आप अंतर कर सकते हैं, तो एक तो हो गया आकार जिसमें वह आयताकार और वर्गाकार, दूसरा हो गया शिखर। ठीक है, इसी में शिखर में ही शिखर और विमान,
शिखर व विमान, एक इसको लेकर अंतर है। ठीक, इसके बाद फिर हमने बात करी परकोटे की, परकोटा, गोपुरम। ठीक, इसके बाद फिर हमने बात करी द्वारपाल, आइकोनोग्राफी की, और फिर इसके बाद हमने बात करी तालाब। ठीक, और इसके बाद हमने एक और की बात करी थी जो था हमारा गोपुरम, तालाब, और इसके अलावा हमने मंडप के बारे में, नंदी मंडप के बारे में बात की थी, नंदी मंडप। ठीक, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पे आप दोनों की तुलना कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी विविध शैलियों की। ठीक, तो जैसे कि हमने पिछले सत्र में बताया था कि जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उसमें जो विभिन्न शैलियों का विकास हुआ है वह भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हुआ है। यानी उत्तर भारत के तहत हमें उड़ीसा शैली का उदाहरण मिलता है, पश्चिम भारत के तहत हमें सोलंकी शैली का उदाहरण मिलता है, पूर्वी भारत के तहत हमें पूर्वोत्तर शैली में हमें असम में बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं, कश्मीरी या हिमालयन स्थापत्य कला का उदाहरण मिलता है, मध्य भारत में हमें चंदेलों की स्थापत्य कला का उदाहरण मिलता है। यानी भौगोलिक आधार पर इन शैलियों को बांटा गया है। इसके विपरीत अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पे हमें जो मंदिर निर्माण की शैलियों के उदाहरण दिखते हैं वह वंशानुगत आधार पर विकसित हुए हैं। यानी एक राजवंश पहले आया, उसके द्वारा एक निर्माण शैली को प्रारंभ किया गया, उसी निर्माण शैली को दूसरे राजवंश द्वारा आगे बढ़ाया गया और उसमें कुछ और विशेषताएं जोड़ दी गई, फिर उसके बाद तीसरा राजवंश आया, फिर उसके बाद चौथा राजवंश आया। इस तरीके से एक राजवंश से दूसरे राजवंश, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से क्रम चला है। ठीक है, और अगर इस क्रम को हम क्रोनोलॉजिकली वाइज देखें, तिथि अनुक्रम में देखें, तो हमें सबसे पहले पल्लव दिखाई देते हैं। पल्लवों ने दक्षिण की द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली को प्रारंभ किया। पल्लवों के बाद फिर चोलों का काल आया। ठीक है, चोलों ने इस काल को आगे बढ़ाया, इस प्रथा को आगे बढ़ाया और इसमें इसको इस उत्कर्ष तक पहुंचाया। फिर उसके बाद विजयनगर का काल है। ठीक है, विजयनगर द्वारा कुछ कार्य किया गया और फिर नायकों का काल है। ठीक है, जिनके द्वारा कुछ निर्माण किए गए हैं। ठीक है, तो इन जो ये जो कुछ शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एक एक करके हम इनको देखेंगे। और इसमें आपको क्या याद रखना है, कुछ शासकों के नाम याद रखने और उनके द्वारा जो निर्माण किए गए उसके बारे में याद रखना है। साथ ही जैसे कि हमने पिछले सत्र में देखा था, अगर आपको द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली की विशेषताओं के बारे में पता होगा तो आप आसानी से विविध शासकों के तहत जो मंदिर निर्माण किए गए हैं उनको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब पल्लवों की बात करते हैं। तो लगभग इनका कार्यकाल क्या है, लगभग 600 एडी में, छठी शताब्दी में इनका कार्य प्रारंभ हुआ। और इसमें क्या हुआ, अलग अलग शासक हुए, उन्होंने अलग अलग रूपों में मंदिर निर्माण शैली को आगे बढ़ाया और उन्हीं के नाम पे विविध मंदिर निर्माण शैलियों को हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले शासक कौन से थे, प्रोमिनेंट शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्हीं के नाम पे जो मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई उसे कहते हैं महेंद्र शैली। ठीक, महेंद्र शैली। अब महेंद्र द्वारा क्या किया गया, उन्होंने पर्वतों को काट के या पहाड़ियों को काट के मंदिरों का निर्माण करना प्रारंभ किया। यानी इसमें क्या करते थे, वो पहाड़ियों को काटते थे, जैसे कि उत्तर भारत में गुहा स्थापत्य कला थी उसी तरीके से उन्होंने दक्षिण भारत में गुहा स्थापत्य कला का प्रारंभ किया, जिसके तहत पहाड़ियों को काट के छोटे छोटे कमरे बनाए गए। ठीक है, सेल्स बनाए गए और इसके तहत उन्होंने गुहा स्तंभों की रचना की। ठीक है, इसके तहत इन्हें गुहा स्तंभ यानी गुहा मंडप, इसको क्या कहते थे, मंडप, गुहा मंडप। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता था, गुहा स्तंभ व मंडप। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको समझना है कि हमने उत्तर भारत की जब मंदिर निर्माण शैली की बात की थी तो जब हमने मंडप शब्द का यूज किया था, मंडप शब्द का प्रयोग किया था, तो उसमें मंडप से तात्पर्य क्या था, हॉल से था, यानी एक तरीके का बरामदा युक्त, बरामदा या कमरा। ठीक है, हॉल। अब जब दक्षिण भारत में जब हम मंडप की बात कर रहे हैं, विशेषकर पल्लव काल में, तो यहाँ पे मंडप से तात्पर्य गुहा मंदिर से है, गुहा मंदिर के एक कमरे से है, गुहा मंदिर का एक कमरा। ठीक, तो महेंद्र वर्मन द्वारा जो पर्वतों को काट के छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे कमरे बनाए गए, उसको उन्होंने मंडप का नाम दिया, जिसको गुहा मंडप कहा गया। ठीक, गुहा मंदिर का कमरा यानी मंडप। ठीक है, और इसके तहत उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो पहाड़ को काटा, उसके बाद फिर कमरे बनाए जिसको मंडप कहा गया, उसके बाद फिर इसको उन्होंने स्तंभ रूप बनाया, मतलब बहुत सारे
स्तंभ बनाए, ठीक है, यानी छत को खड़ा करने के लिए, सहारा देने के लिए बहुत सारे उन्होंने पिलर्स बनवाए, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है गुहा मंडप व स्तंभ, या ऐसे कह सकते हैं स्तंभ युक्त गुहा मंडप, ठीक है, जो कमरे होते थे जिनको पर्वतों को काट के बनाया जाता था, ठीक है। तो ना केवल उनको काटा जाता था बल्कि उनको काटने के बाद उनको स्तंभ युक्त किया जाता था, और उसके बाद फिर उसमें भांति भांति की नक्काशी की जाती थी, चित्रकारी यानी उत्कीर्णन किया जाता था, ठीक है। नक्काशी के उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं, इसमें एक दो का नाम याद रखने, एक का नाम है आदिवाराह मंडप, ठीक है, एक का नाम है पंच पांडव मंडप, यह कुछ उदाहरण है जिसको आपको याद रखना है। तो महेंद्र वर्मन द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली को प्रारंभ किया गया, जिसके तहत उन्होंने पहाड़ों को काट के कमरों का निर्माण किया, जिसे गुहा मंडप कहा गया। यह मंडप जो होते थे स्तंभ युक्त होते थे और इन पर भांति भांति से उत्कीर्णन किया जाता था, जिससे इनकी सुंदरता बढ़ती थी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, इसमें उदाहरण याद रख लेना है आदिवाराह मंडप और पंच पांडव मंडप, ठीक। अब जो अगले शासक आए उनका नाम था नरसिंह वर्मन, ठीक है। तो इनकी एक उपाधि थी जिसको कहते थे मामल्ल, मामल्ल इसी के नाम पे इनकी इनके मंदिर निर्माण शैली को मामल्ल शैली कहा जाता था। इसका क्या नाम था, महेंद्र शैली, इनका क्या हो गया मामल्ल शैली या नरसिंह शैली, और इसके तहत इन्होंने क्या किया, तो जो महेंद्र वर्मन ने जो कार्य शुरू किया था उससे ये एक कदम आगे बढ़ गए, और इन्होंने पर्वतों को ना काट के मामल्लपुरम एक जगह थी, मामल्लपुरम नाम का एक स्थल था, वहाँ पे उन्होंने कई सारे मंदिर संरचनाओं का निर्माण किया, जिसको आज जो है यूनेस्को द्वारा संरक्षण दिया जाता है। इसके तहत उन्होंने क्या किया, क्योंकि मामल्लपुरम जो था वो समुन्द्र के किनारे था और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें अवस्थित थीं प्राकृतिक रूप से, तो उन्होंने क्या किया, उन चट्टानों को जो स्वतंत्र रूप से वहाँ पे खड़ी हुई एकाश्म चट्टानें थीं, उन्हीं चट्टानों को काट के उन्होंने रथ के आकार के मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन ने क्या किया था, उन्होंने पहाड़ों को काट के मंडपों का निर्माण कराया था, मंदिरों का निर्माण किया था। जो ये हमारे नरसिंह वर्मन मामल्ल हुए, उन्होंने मामल्लपुरम नामक स्थान पे समुद्र के किनारे चट्टानों को, बड़ी बड़ी एकाश्म चट्टानों को काट के रथ के आकार के मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें पंच पांडव रथ काफ़ी फेमस है, ठीक है, पंच पांडव रथ यानी जिसमें धर्मराज रथ, युधिष्ठिर रथ, ऐसे करके पांडवों के नाम पे पंच पांडव रथ बनाए गए। हालांकि ये पांडवों से संबंधित नहीं है, इसमें बहुत सारे देवी की मूर्तियां हैं, शिव की मूर्तियां हैं, इस तरीके से बहुत सारे वो रथ हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी संख्या 5 थी तो इसलिए उनको पंच पांडव रथ कहा गया, बाद में इसमें 2 रथ और जुड़ गए, तो कुल मिला के इनको सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। कुछ 7 रथ हैं, ठीक है, रथ के आकार के मंदिर हैं एकाश्मक, इनको सप्त पैगोड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसमें 5 रथों को एक साथ पंच पांडव रथ कहा जाता है, बाकी 2 रथ और हैं, ठीक है, रथों के आकार के एकाश्म मंदिर, ठीक। तो नरसिंह वर्मन के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि इनके द्वारा जो महेंद्र वर्मन ने जो पहाड़ों को काट के मंदिरों को निर्माण की शैली प्रारंभ की थी, इसी को इन्होंने मामल्लपुर नामक स्थान पे आगे बढ़ाया, जिसके तहत उन्होंने समुद्र के किनारे की बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के, एकाश्मक चट्टानों को काट के बड़े बड़े रथ के आकार के मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें पंच पांडव रथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है, पंच पांडव रथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और इसके बाद उन्होंने 2 और रथों का भी निर्माण कराया, कुल मिला के 7 रथों की गणना की जाती है, जो सप्त पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो मंदिर निर्माण की शैली है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ठीक। इसके बाद जो अगले शासक आए उनका नाम था राजसिंह, उनके द्वारा जिस शैली को प्रारंभ किया गया वह राजसिंह शैली कहलाती है। और उन्होंने क्या किया, वह जो है जो ये एकाश्मक मंदिर निर्माण शैली की जो परंपरा थी उससे आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया, संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कराया, ठीक है। तो यहाँ पे एकाश्म मंदिर और संरचनात्मक मंदिरों में अंतर क्या होता है कि एकाश्म मंदिर जो होते हैं, जो पहले के जो हमने उदाहरण देखे, चाहे सप्त पैगोड़ा का हो चाहे ये मंडपों का उदाहरण हो, तो उसमें पहाड़ों को काट के एक ही चट्टान से या एक ही पहाड़ी के तहत मंदिरों का निर्माण करा जाता है। जो संरचनात्मक मंदिर होते हैं, स्ट्रक्चरल टेम्पल जिसको कहते हैं, संरचनात्मक मंदिर, उसके तहत क्या किया जाता है कि ईंटों और गारों का प्रयोग करके, ईंटों और गारों का प्रयोग करके
चिनाई के माध्यम से मंदिरों का निर्माण किया जाता है और इसमें मुख्यतः ग्रेनाइट आदि पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो जो हमारे राज सिंह शैली थी जो ये प्रारंभ हुई, इसके तहत दक्षिण भारत में पहली बार जो है बड़े पैमाने पे स्ट्रक्चरल संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसमें ग्रेनाइट पत्थर को चिनाई के द्वारा मंदिर निर्माण की शैली प्रारंभ हुई, जिसमें दो तीन मंदिर बहुत फेमस है। इसमें सबसे फेमस मंदिर एक है, इसको कहा जाता है मामल्लपुर का तटीय मंदिर क्या हो गया, शोर टेम्पल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं शोर, मामल्लपुर का तटीय या शोर टेम्पल, क्योंकि समुद्र के किनारे इसलिए इसको कहा जाता है शोर टेम्पल। शोर मतलब अंग्रेजी का शोर, जिसका मतलब तट के किनारे होता है, और हिंदी में कहेंगे मामल्लपुर का तटीय मंदिर। इसके अलावा इन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम में इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण कराया। कैलाशनाथ मंदिर जो शिव को समर्पित मंदिर था, उसका उन्होंने निर्माण कराया। इसके अलावा एक और मंदिर बनवाया जिसको कहा जाता था बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण राज सिंह के काल में प्रारंभ हुआ, जिसमें कैलाशनाथ टेम्पल, मामल्लपुर का शोर टेम्पल या तटीय मंदिर और बैकुंठ पेरुमल टेम्पल प्रमुख हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है ये तीन प्रमुख शासक थे जिनके काल में मंदिर निर्माण शैली काफ़ी स्वतंत्र रूप से प्रारंभ हो गई। इसके बाद फिर क्या हुआ कि पल्लवों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया, और इसके बाद जो ये अगले जो प्रमुख शासक हुए जिनका नाम नंदीवर्मन था, उनके काल में कोई नवीन मंदिर निर्माण शैली नहीं की गई, बल्कि बहुत छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। तो इन्होंने जो संरचनात्मक मंदिर की निर्माण की शैली प्रारंभ की गई थी राज सिंह के द्वारा, इसी को नंदीवर्मन ने आगे बढ़ाया, जिसमें अनेक छोटे छोटे मंदिर बनवाए गए, जिसमें मुक्तेश्वर मंदिर काफ़ी प्रमुख है, ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर। इसके अलावा एक और मंदिर है मातंगेश्वर मंदिर, ये कुछ उदाहरण हैं जो आप इसमें दे सकते हैं। और सारे मंदिर कौन से थे, संरचनात्मक मंदिरों के उदाहरण थे। तो पल्लव मंदिर निर्माण शैली के तहत आपको ये बातें याद रखनी है, इसमें गुहा स्तंभ और मंडप से प्रारंभ हुआ, बाद में ये रथ की ओर शिफ्ट हुआ, इसके बाद संरचनात्मक मंदिर बने, जिसे फिर नंदीवर्मन के काल में आगे बढ़ाया गया, ठीक। तो इस काल में जो हम विशेषताएँ देखना शुरू करते हैं वो मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसमें पिरामिड नुमा शिखर होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी, वो सब मिलनी शुरू हो जाती हैं। यह जो दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली थी, वह चोलों के काल में अपनी उच्चता को पहुँच गई। तो 2013 के प्रश्न में यही पूछा गया था, इसमें यह अपेक्षा की गई थी कि आप पल्लवों से प्रारंभ करें और चोलों के बारे में बताएं। तो आपको पल्लवों के तहत बता देना है कि पल्लवों ने द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली को प्रारंभ किया था, और जब चोलों का काल आया तो चूंकि चोल जो थे पूरे न केवल दक्षिण भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, मालदीप आदि के क्षेत्र तक उनका काफ़ी अधिक विस्तार था, उसमें से जो शासक थे उन्होंने कई ने दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत में भी विजयों को किया था, इसलिए उनके काल में बहुत बड़े बड़े मंदिरों को बनवाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो है जो शिखर होता था पिरामिड नुमा शिखर, वे काफ़ी बहुत बड़े बड़े शिखर का निर्माण किया गया, ठीक है, बहुत बड़े बड़े शिखर। इसमें दो प्रमुख उदाहरण हैं, एक का नाम है वृद्धीश्वर टेम्पल तंजावुर उनकी राजधानी थी, तंजावुर का वृद्धीश्वर टेम्पल, और बाद में गंगईकोंड चोलपुरम में जो राजधानी बनाई गई राजेंद्र चोल के द्वारा, उन्होंने वहाँ पे गंगईकोंड चोलपुरम में मंदिर बनवाया, ठीक। तो राजराज प्रथम एक शासक थे, उनके द्वारा वृद्धीश्वर मंदिर बनवाया गया, जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता उसका विमान है जो अपने आकार में बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत व्यापक और बहुत बड़ा विमान इसकी विशेषता है, ठीक। और इसके अलावा गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर भी काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा दारासुरम नाम का एक स्थल है जहाँ से हमें बहुत अच्छे उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो जो पल्लवों ने मंदिर निर्माण की शैली प्रारंभ की थी, उसी को इन्होंने उच्च स्तर पर बनाया, जिसमें बहुत बड़े बड़े विमानों की स्थापना की गई, जिसमें वृद्धीश्वर टेम्पल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसमें न केवल कई मंजिला विमान बनाए गए बल्कि उन्होंने कई बहुत बड़े बड़े शिवलिंगों की स्थापना की, बहुत बड़े बड़े एकाश्मक नंदी मंडपों की स्थापना की। इसके अलावा जो उन्होंने इसके ऊपर जो गुंबद, जिसको शिखर कहा था मैंने, विमान के ऊपर जो शिखर के जो स्थापना की गई, वह भी काफ़ी व्यापक और काफ़ी विशाल था, जो गोलाकार या अष्टाकार होता था,
ठीक है। इसी काल में गोपुरम भी काफी बड़े बड़े बनाए गए। गोपुरम क्या होता था? प्रवेश द्वार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चोल काल में जो द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली की जो विशेषताएं थी वो अपनी व्यापकता को प्राप्त हुई। इसके सबसे अच्छे उदाहरण वृद्धीश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर हैं। ठीक है, इसमें आपको ये उदाहरण दे देने, ठीक है, इसका विस्तार बता देना है, जो ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के तहत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विजयनगर शासनकाल की। ठीक है, तो विजयनगर शासनकाल के तहत हम क्या देखेंगे कि इसके तहत हमें विजयनगर शासनकाल का कौन सा काल है, लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी का काल है। ठीक है, जिस काल में हमें दिखाई देता है द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली के तहत कई नवीन विशेषताएं और जुड़ गई, जिसमें हमें क्या देखते हैं कि सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो यह है कि इस काल में हमें जो पहले के जो दक्कन शासक थे बहुत सारे, चाहे वो चालुक्य हों चाहे वो होयसल शासक हों, उनके साथ जो दक्षिण भारत के जो शासक थे जिसमें चोल पांडे आदि शासक हैं, उन सभी की विशेषताओं को हम विजयनगर मंदिर निर्माण शैली में या स्थापत्य कला में देखते हैं, जिसमें ना केवल हिंदू मंदिर निर्माण शैलियों के दर्शन होते हैं बल्कि उस काल में जो बहमनी शासन, जो उनके साथ वाला शासन था, उसमें जो हमें इस्लामिक स्थापत्य कला शैली दिखाई देती है उसके भी बहुत सारी विशेषताएं हमें स्थापत्य कला में दिखती हैं, जिसमें गुंबदों का प्रयोग आदि प्रमुख रूप से किया गया। ठीक है, गुंबदों का प्रयोग किया गया, मेहराबों का प्रयोग किया गया, ये सारे उदाहरण भी हमें विजयनगर स्थापत्य कला में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या हो गई कि इसमें बहुत सारी जो पूर्ववर्ती राजवंश थे या समकालीन राजवंश थे उनका मिश्रण दिखाई देता है, जिसमें चालुक्य चोल पांडे होयसल आदि प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ कि इस काल की जो विशेषता है वह मंडपों के रूप में हमें दिखाई देती है। मंडप यानी हॉल। ठीक है, यहाँ पे हॉल से तात्पर्य है, पल्लव काल मंडप से तात्पर्य है मंदिर से था, यहाँ पे मंडप से तात्पर्य हॉल से है, जिसमें हमें कई नवीन हॉल कई नवीन मंडप के दर्शन हमें दिखाई देते हैं, जिसमें प्रमुख है एक, ये हमने चर्चा पहले भी किया था, एक को कहा जाता है कल्याण मंडप। कल्याण मंडप मतलब हो गया एक ऐसा मंडप जिसमें हर साल शिव और पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाता था। तो कल्याण मंडप जो है विजयनगर के शासन काल में काफी प्रोमिनेंट रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा अम्मन शरीन मंडप, यह भी जो है इस काल में हमें नवीन रूप में दिखाई देते हैं। अम्मन शरीन मतलब क्या हो गया, पार्वती को समर्पित मंडप, जिसमें शिव प्रमुख देवता होते थे परंतु पार्वती के एक स्पष्ट और अलग कमरे के रूप में अम्मन शरीन मंडपों का निर्माण किया गया। ठीक है, कल्याण मंडप विवाह मंडप होता था, अम्मन शरीन मंडप के तहत पार्वती को समर्पित मंडपों की स्थापना की जाती थी। इस काल में जो मंडप बनाए गए उसमें मंडपों के साथ काफी सारे स्तंभों को भी लगाया गया। स्तंभ में क्या होता था, काफी पिलर्स खड़े किए जाते थे ताकि मंडपों को सहारा दिया जा सके। ठीक, तो यह जो स्तंभ थे या पिलर्स थे वे भी काफी विशेषताओं से युक्त थे। पहली विशेषता इसमें क्या थी कि बहुत अधिक सजावट उनमें तक्षण किया गया था, बहुत अच्छा कार्विंग उनमें की गई थी, इंटिकेट कार्विंग की गई थी। साथ ही हमें इसमें हजार स्तंभों वाले मंडपों के उदाहरण भी मिलते हैं। ठीक है, 1000 pillared hall। ठीक है, हजार हजार स्तंभों की गणना मिलती है, 1000 स्तंभों का प्रयोग किया गया। साथ ही बहुत सारे स्तंभ इस प्रकार से तक्षिण किए गए, इस प्रकार से उन पर कार्विंग की गई कि उनसे संगीत निकलता था, यानी संगीतात्मक स्तंभ भी इस काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो मंडपों में कई नवीन विशेषताएं, साथ ही उसमें स्तंभ भी दिखते हैं जिसमें अलंकृतता, हजार स्तंभ, संगीतात्मकता आदि दिखाई देती है। इसके अलावा इंडो इस्लामिक विशेषताएं हमें दिखती हैं, जिसमें गुंबदों आदि का प्रयोग किया गया, जैसे कि कमल महल आदि के में हमें इसका उदाहरण मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे अस्तबल वगैरह बनाए गए, घोड़े के अस्तबल वगैरह, जो मंदिर से अलग नागरिक संरचनाएं थी जिसमें हमें इंडो इस्लामिक स्थापत्य के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मंदिरों के उदाहरण दे सकते हैं, लेपाक्षी टेम्पल इसका उदाहरण है, वीरभद्र टेम्पल इसका उदाहरण है। ठीक, लेपाक्षी मंदिर, वीरभद्र मंदिर आदि विजयनगर शासन काल के मंदिरों के उदाहरण है, जिसमें कई नवीन विशेषताएं हमने आपको बताई। ठीक है, तो विजयनगर मंदिर स्थापत्य कला या स्थापत्य कला के तहत आप ये विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम फिर बात करते हैं नायकों की। नायकों के काल में क्या हुआ कि मदुरई जो शासन था, मदुरई के नायकों द्वारा, उनके द्वारा जो है एक बहुत विशिष्ट मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसमें हमें नायकों की मंदिर निर्माण शैली की विशेषताएं दिखाई देती हैं। इस मंदिर का नाम था मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, इसको अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसका नाम था मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, मीनाक्षी
मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, ठीक है, कौन सा मंदिर है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। तो यह जो मंदिर था, जैसा कि हमने बताया, ये नायकों के, मदुरई के नायकों द्वारा बनवाया गया, ठीक है, और इसका पूरा नाम जो हमने बताया मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल था, जिसमें सुंदरेश्वर को माना जाता है शिव का रूप, शिव सुंदरेश्वर को क्या माना जाता है, शिव का रूप माना जाता है, शिव का रूप माना जाता है, और जो मीनाक्षी हैं उनको पार्वती का रूप माना जाता है। तो बेसिकली किसका मंदिर है, शिव और पार्वती को समर्पित एक मंदिर है, जिसका पूरा नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, ठीक है। तो इस मंदिर में हमें बहुत सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं, जो द्रविड़ स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं, जैसे कि इस मंदिर में हमें तालाब दिखाई देता है, प्रदक्षिण पथ, ढका हुआ प्रदक्षिण पथ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इस मंदिर का जो शिखर है वह पिरामिड नुमा है, और इसमें बहुत अच्छी मूर्ति शिल्प का हमें उदाहरण प्राप्त होता है, बहुत अच्छा जो है उसमें पच्चीकारी सॉरी जो बहुत अच्छी जो मूर्तियां हैं, मूर्ति शिल्प के का उदाहरण मिलता है। साथ ही हमें जो उसकी जो दीवारें हैं, जो प्रदक्षिण पथ की दीवारें हैं, जो अंदर की दीवारें हैं, उन पे बहुत अच्छी पेंटिंग आदि के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। जो ये पेंटिंग के उदाहरण थे, जो ये पच्चीकारी या फिर मूर्ति शिल्प के उदाहरण थे, ये हमें चोल काल के बृहदीश्वर मंदिर में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी कारण चोल काल में भी की जो परंपरा थी आगे भी जारी रही, ठीक है। इस काल में हमें एक और प्रमुख विशेषता दिखाई देती है, और वो है गोपुरम की विशेषता, ठीक। तो मीनाक्षी टेम्पल का जो गोपुरम है, मीनाक्षी टेम्पल या फिर और भी मंदिरों के गोपुरम है, वह बाद के कालों में और अधिक विशाल होते गए, और एक समय ऐसा आया कि इनकी संख्या बढ़ने के साथ इनका आकार भी इतना अधिक बढ़ता गया कि कई मंदिरों के जो गोपुरम है वह जो है मंदिर के जो मुख्य विमान है उससे भी अधिक ऊंचाई वाले होने लगे, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था पहले कि दक्षिण भारत मंदिर क्या होते थे, व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र होते थे, और धीरे धीरे उनमें इतना अधिक विकास होने लगा कि मंदिर जो है और बड़े होते गए। परंतु चूंकि मंदिर की मूल संरचना से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो बाद में जितने भी शासक आए उन्होंने उस मंदिर को और बड़ा करने के लिए और ज़्यादा गोपुरम का यानी बाउंड्री वॉल्स का निर्माण किया, यानी वो मंदिर के मुख्य जो विमान था, मुख्य जो शिखर था, उसमें छेड़छाड़ ना करके जो उसकी बाह्य संरचना थी उसको अधिक साज सज्जित करने पे बल देने लगे, जिसके चलते जो हमें बाद के मंदिर दिखाई देते हैं उसमें हमें विमान से ज़्यादा बड़े गोपुरम दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसमें वो संकेंद्रीय रूप में कई संख्या युक्त दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्रमुख है एक मंदिर, और इसके चारों ओर दो तीन वलय बना के गोपुरम बनाए जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके बनाए जाते थे, यहाँ पे सब जगह गोपुरम होते थे यहाँ पे। तो इस तरीके से मंदिर और बड़े होते रहेगा, ये विमान हो गया, ठीक है। तो जैसे चिदम्बरम टेम्पल का उदाहरण मिलता है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें विमान के साथ गोपुरम एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, ठीक। तो द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली के तहत हम ये सब बातें लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेसर शैली की, ठीक है। बेसर शैली यानी दक्कन के क्षेत्र में विकसित होने वाली मंदिर निर्माण की शैली। तो इसके तहत क्या आपको याद रखना है कि जो नागर मंदिर निर्माण की शैली है और जो द्रविड़ मंदिर निर्माण की शैली है, इन दोनों के तत्व हमें बेसर मंदिर निर्माण शैली में मिलते हैं। इसके तहत हम क्या देखते हैं कि दो तीन स्थल हैं जिनका आपको नाम याद रखना है, ठीक है। एक का नाम है पत्तडकल, एक का नाम है एहोल, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्थल हैं, पत्तडकल, एहोल आदि, इसके अलावा बादामी भी कह सकते हैं आप, बादामी, ठीक। यहाँ से हमें क्या है, बहुत सारे मंदिर ऐसे मिलते हैं जिसमें कुछ मंदिर नागर शैली के बने, कुछ मंदिर बेसर द्रविड़ शैली के बने हैं, यानी नागर शैली के मंदिर, उत्तर भारत के में बने हुआ मंदिर, दक्षिण भारत की शैली में बना हुआ मंदिर, दोनों के उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा बेसर शैली में हमें क्या दिखाई देता है कि कुछ मंदिर ऐसे भी बनाए गए जिसमें नागर शैली की विशेषताएं और द्रविड़ शैली की विशेषताएं समान रूप से अवस्थित मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें कई मंदिरों में अंतराल मिलता है और शिखर जो है हमें क्या नाम है, हमें उत्तर भारत की शैली का दिखाई देता है, यानी दक्षिण भारत के हमें कई मंदिरों के शैलियों के उदाहरण मिलते हैं, साथ ही उत्तर भारत की शैलियों के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं।
ठीक है। इसमें विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर काफ़ी अधिक फेमस है, जिसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बेसर शैली में क्या हमें देखने को मिलता है, इसमें बहुत व्यापक, बहुत अच्छा उत्कीर्णन मिलता है, यानी जो मंदिर की दीवारें हैं या देवता की मूर्ति हैं वहाँ पे बहुत अच्छी पच्चीकारी, बहुत अच्छी उत्कीर्णन किया गया, यानी उनको बहुत अच्छा उनमें बहुत अच्छी कार्विंग की गई है, ठीक है। यानी जिसके तहत उन्होंने विविध विविध आकृतियाँ बनाई गई हैं, उसमें विविध विविध प्रकार के ढंग रंग रूप से उन्हें ज्यामितीय पैटर्न आदि बनाए गए हैं, यानी विविध प्रकार की उसमें सजावट देखने को मिलती है, ठीक है। जब इसमें होयसल शासकों का काल आया, होयसल शासक कर्नाटक में प्रमुख शासक हुए थे, ठीक है। जब होयसल शासकों का काल आया 1050 से 1300 AD का काल, तो ये कर्नाटक में हमें बेसर मंदिर निर्माण शैली के तहत एक विशिष्ट शैली देखने को मिलती है, जिसे तारानुमा मंदिर निर्माण शैली कहा जाता है। तारे की आकृति में मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसे स्टार लाइक पैटर्न उसको कहा जाता है, ठीक है। स्टार लाइक पैटर्न, इसमें इस तरीके से मंदिरों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। जैसे कि स्टार होता है, तो इसमें क्या होता था, मंदिर के बीच में एक मंदिर बनाया जाता था, उसके किनारों पे मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो इसमें ग्राउंड पैटर्न कौन सा होता था, स्टार लाइक ग्राउंड पैटर्न, ठीक। तो इससे फायदा क्या होता था कि कई मंदिरों को, कई देवताओं को एक साथ स्थापित किया जा सकता था। और इसमें भी हमें क्या दिखाई देता है कि शिखर की बजाय, यानी इसमें जो शिखर है वह काफ़ी ऊंचे नहीं बनाए गए हैं, इसके बजाय इन्होंने क्या किया है कि तारानुमा आकृति बनाई है और उत्कीर्णन पे बहुत अधिक बल दिया है, ठीक। तो बेसर शैली के तहत जो होयसल मंदिर निर्माण शैली थी उसमें तारानुमा आकृति और बहुत अच्छी कार्विंग उत्कीर्णन किया गया है, जिसका प्रमुख उदाहरण कौन सा है, चेन्ना केशव मंदिर बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर और हालेबिट का होयसलेश्वर मंदिर और बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर होयसल शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर में हम क्या देखते हैं कि जो उत्तर भारत की जो जगती की जो विशेषता जो हमने देखी थी, हमने बताया था ना दोनों विशेषताएं दिखाई देती हैं, तो ये जगती यानी एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, ये उत्तर भारत की शैली थी जगती जो हमने देखी थी चंदेलों के तहत, तो जगती हमें दिखाई देती है और इसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया है स्टार लाइक पैटर्न में, स्टार पैटर्न में किया गया है, और जो शिखर है वह द्रविड मंदिर निर्माण शैली के तहत बना है, ठीक है। हालांकि बहुत अधिक ऊंचा नहीं है और इसके तहत हमें जो है बहुत अच्छी उत्कीर्णन देखने को मिलता है। तो बेसर मंदिर निर्माण शैली के तहत हम क्या देखते हैं कि इसमें दोनों मंदिरों के उदाहरण देखने को मिलते हैं और साथ ही एक विशिष्ट शैली का भी विकास हुआ, जिसे होयसल मंदिर निर्माण शैली कहते हैं, जिसके प्रमुख उदाहरण हमें हालेबिट और बेलूर आदि स्थानों से मिलते हैं और चेन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर टेम्पल आदि इसका प्रमुख उदाहरण है, ठीक। तो द्रविड और दक्कन मंदिर निर्माण शैली के तहत आप इतना ही याद रखें, इन्हीं विशेषताओं को आप बल दें और जो भी प्रश्न आएगा उसमें आप कोशिश करें कि आप तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा उस प्रश्न को लिखें, ठीक है। इसके साथ अब आपको क्या करना है कि हम आपको नोट्स देंगे, आपको उसको नोट्स को पढ़ना है। इसके अलावा हम जो NCERT की जो सारांश जिस्ट की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसमें आपको चैप्टर नंबर छः का जो वीडियो है वो आपको देखना है, तो आप मंदिर स्थापत्य कला के तहत बाकी जो अन्य विशेषताएँ हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मंदिर स्थापत्य कला शैली जो है संस्कृति के तहत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए हमने इसको दो सत्र में किया। अब इसके बाद जो अगला सत्र होगा उसके तहत हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म ज्ञानपुर पर। धन्यवाद।